फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के मुद्दे के बीच अब पायल घोष ने यौन शोषण का मुद्दा गर्मा दिया है। वहीं अब ये मुद्दा संसद में भी पहुंच चुका है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने ये मुद्दा संसद में उठाया और कठोर कानून की मांग की। बीती रात लोकसभा की कार्यवाही रात करीब 1 बजे तक चली और इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई। बीजेपी सांसद रवि किशन ने एक ऐसे कानून की मांग की है जिससे महिलाओं, लड़कियों और अनुचित दबाव बनाने वालों में भय पैदा हो। इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए रवि किशन ने कहा, हमारे देश में बेटियां देवी दुर्गा और गौ माता की तरह पूजनीय हैं, लेकिन बॉलीवुड समेत कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी कुछ लोग उनकी तकदीर चमकाने का दावा कर सौदेबाजी पर उतारू हैं। देश की बहुत गंभीर समस्या पे मुझे बोलने का मौका दिया, दिल से तहे दिल से धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेरे भारत में समस्त बेटियां, मैं भी पिता हूं, मेरी भी बेटी है, उनमें एक बल आया, एक शक्ति आई महोदय जी, और वो शक्ति ऐसे कि अब वो निकलने लगी और बताने लगी कि मेरे साथ क्या घटित हुआ, अपनी पीड़ा बयां करने लगी समस्त भारत के सामने, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने। एक बेटियों को बल मिला हमारी सरकार में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके मंच के माध्यम से। हमारे देश में दुर्गा, गौ माता, देवियों की तरह, देवी देवताओं की तरह बेटियों को पूजा जाता है, हमारे सनातन धर्म में भी माना जाता है। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा आया, समस्त देश के चैनल में न्यूज चल रही है, एक बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं एक्स्ट्रा चाहूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग छोटे छोटे शहरों से जाते हैं, मुंबई शहर एक बहुत बड़ा सपनों का, सपने पूरे होते हैं वहाँ। कोई घर बेच के जाता है, कोई मोटरसाइकिल, कोई जेवर बेच के जाता है, कोई बैंक से लोन लेके, बेटी बेटे लोग कि हम एक स्टार बनेंगे, कलाकार बनेंगे। सिनेमा देश का बहुत बड़ा भोजन है, क्रिकेट और सिनेमा बहुत बड़ा भोजन है 135 करोड़ का। और वो सपने लेके उस शहर में जाते हैं, चकाचौंध वहाँ पहुँचते हैं, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है और आते हैं उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी क्यों होती है? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? लेट्स एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा? एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति यह ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे यह करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो, हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा, बेटियां देवी हैं। और यही दुख है क्योंकि मैं एक पिता भी हूं। बस मैं चाहूंगा एक ऐसा कानून आए जहां पर ऐसे दरिंदे, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप, आपकी बेटी नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं कर रहे, हम सब इंडस्ट्री बोल रहे हैं। आप गौर करिए, हमने कहा सब इंडस्ट्री, जहां भी कोई शोषण करेगा, जहां भी कोई कहेगा मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा, सब इंडस्ट्री, गौर से सुनिए। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। हम कह क्या रहे हैं, कहीं पे भी किसी को अधिकार नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, मैं फिल्म जगत की बात नहीं कर रहा हूं, हर इंडस्ट्री में कि कोई कहे कि मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगा और मैं हमारी बच्चियों के साथ इस भारत में कोई अत्याचार हो, और खासकर मोदी जी की सरकार में यह कतई नहीं होगा। ऐसा कानून लाइए कि सब लोग। हालांकि इस दौरान रवि किशन ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब पायल घोष ने अनुराग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे कि साफ है कि रवि किशन का इशारा किस ओर था। बता दें कि इससे पहले अनुराग और पायल के मामले पर बात करते हुए रवि किशन ने कहा था, आरोप गंभीर हैं और पायल घोष ने खुद सामने आकर कहा है, अगर ये तथ्य एकदम सही होते हैं तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, ऐसे में कोई भी नारी या बेटी गुहार लगाती है तो उसके लिए जाँच की सारी एजेंसियाँ और दरवाजे खुले रखते हैं।
रवि किशन और अनुराग कश्यप के बीच वाद प्रतिवाद की जंग सुशांत और रिया केस से जुड़ी बयानबाजियों से शुरू हुई थी। पहले अनुराग कश्यप ने रवि किशन पर सीधा वार किया था। अनुराग ने ट्वीट में रवि किशन पर गांजा पीने का आरोप लगाया तो रवि किशन ने उन्हें सोच समझकर बयान देने की नसीहत देकर चुप रह गए थे। लेकिन अब पायल घोष के आरोपों के बाद अनुराग कश्यप से खिलाफ रवि किशन खुलकर मुखर हैं। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कोई तुम्हारे पास काम मांगने आया है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी भी चीज़ के लिए तैयार है, ये मुझे आज भी परेशान करता है। लेकिन इस मामले पर अनुराग कश्यप ने उन्हें बेबुनियाद आरोप बताए हैं, तो इस मामले पर और क्या क्या निकल कर आता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन जो सुशांत केस की न्याय की जो मांग थी वो धीरे धीरे कहीं और मुद्दों पर भटकती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। बाकी और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए उनका 24/7 न्यूज के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।